राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। ये खुलासा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार द्वारा जिला सोलन के दाऊ घाट में एम्बुलेंस के औचक निरीक्षण में हुआ था। परमार शिमला से परमाणु की ओर जा रहे थे कि दाऊ घाट में 108 एम्बुलेंस को औचक निरीक्षण के लिए रोका तो उसमें ना तो कोई दवाई थी और ना ही ऑक्सीजन के सिलेंडर। 108 एम्बुलेंस के औचक निरीक्षण के दौरान इसमें कोई भी मरीज नहीं था। चालक ने मरीज को अस्पताल पहुंचाकर लौटने की बात कही। एम्बुलेंस में केवल कुछ इंजेक्शन को छोड़कर कोई भी दवा नहीं थी और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर था। स्वास्थ्य मंत्री ने बिलासपुर के नहोल में जच्चा बच्चा को लेकर जाने वाली 102 एम्बुलेंस को जांच के लिए रोका तो उसकी हालत भी खराब थी। उस गाड़ी के प्राथमिक उपचार बॉक्स में शादी की पगड़ी निकली। ऐसे में शक है कि जच्चा बच्चा की इस एम्बुलेंस को कहीं शादी विवाह के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गाड़ी पर जमी धूल मिट्टी और गंदगी ये बताने के लिए काफी है कि ये मरीजों के लिए नहीं है। क्या क्या होना चाहिए 108 में? 108 एम्बुलेंस में 31 जेनरिक दवाइयां, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर व 3 स्ट्रक्चर रखे होते हैं। इस बारे जब मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखकर खाली स्थानों पर डॉक्टरों की नियुक्ति करें। उन्होंने कहा कि जो जीवीके की 108 एम्बुलेंस लगी है वो भी अच्छी सेवाएं मरीजों को दे, ये उनकी प्राथमिकता है। इसीलिए वह बिना बताए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों में औचक निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। उसी के चलते जब वह शिमला से पालमपुर जा रहे थे तो उन्होंने दारला घाट में 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण किया तो निरीक्षण में न तो जीवन रक्षक 108 एम्बुलेंस में दवा, न ही ऑक्सीजन सिलेंडर थे और न ही दवाइयाँ थी। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस मानकों के आधार पर खरा नहीं उतरी हैं। परमार ने कहा कि उन्होंने विशेष सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि इसकी छानबीन की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर 108 एम्बुलेंस का एमओयू रद्द होगा। है कि मेरा ये प्रयास है कि जहां हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को हम और अधिक सुदृढ़ करें, अधोरचना की चिंता करें, खाली स्थानों पर डॉक्टर भेजें, वहीं दूसरी ओर जो आप जिक्र कर रहे हैं 108 जीबी के कंपनी के अधीन जो गाड़ियां लगी हैं वो भी अच्छी सुविधाएं मरीजों को, जरूरतमंदों को दें, ये मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं बिना बताए मेडिकल कॉलेजेस में भी जाता हूं और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी जाता हूं। कल शिमला से आते हुए दारला घाट में जो 108 गाड़ी मिली है मैंने उसका औचक निरीक्षण किया। मैं ये कह सकता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं उसके मानक है उस पर वो गाड़ियां ठीक नहीं उतरी है। लगभग 31 दवाइयां 108 में होती है, कोई दवाई नहीं। वहां पर 3 स्ट्रेचर्स होते हैं, टूटे फूटे, साफ सुथरा हाइजीनिक वो गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। वहां पर मिट्टी ही मिट्टी थी और दवाइयों के बिना अगर ये 108 एम्बुलेंस चल रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर था नहीं। वहां पर और भी उस 108 गाड़ी में जो इक्विपमेंट रहते हैं वो भी उपलब्ध नहीं थे। मैंने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को आदेश दिए हैं कि इसकी छानबीन की जाए और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो इस एमओयू को रद्द भी करेंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि